हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट आर्या। आज हम प्लान देखेंगे 12 फीट बाय 35 फीट का, यानी आज हम घर का नक्शा देखेंगे जिसका लेंथ हमारा 12 फीट का है और जो ब्रेथ है हमारा ये 35 फीट का है। तो बेसिकली ये जो प्लान है हमारा ये कॉर्नर हाउस प्लान है, यानी दो साइड हमारे रोड है, एक हमारा फ्रंट साइड रोड है और एक हमारा राइट साइड रोड है, और बाकी जो हमारे दो साइड है वो दोनों साइड क्लोज है, दोनों साइड हमारे घर आएंगे। तो वेंटिलेशन हमको दो साइड से मिलेगा, फ्रंट से और राइट से। तो गाइस आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा प्लान समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है 12 फीट के साइड से, आप देख सकते हैं हमारा ये 12 फीट का साइड है, तो इससे हम एंटर करते हैं। तो हमारा एंटर करते ही हमारा पार्किंग एरिया आता है। तो पार्किंग जो एरिया उसका साइज है 10 फीट 6 इंच × 13 फीट का है। यहां से यहां तक लेंथ 10 फीट 6 इंच है और यहां से यहां तक ब्रेथ है 13 फीट का है। तो बेसिकली आपकी एक कार आराम से पार्क हो जाएगी और एक साइड में आपकी एक बाइक पार्क हो जाएगी। तो पार्किंग में हमको फ्रंट से वेंटिलेशन मिलेगा ही, और साइड में अगर आपको यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड करना है 5 फीट से 6 फीट का, तो आप यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। पार्किंग के हम आगे जाए तो एक हमारा पैसेज है। पैसेज में सबसे पहले बाजू में एक ये डोर दिया हमारा, इससे हम एंटर करते हैं WC प्लस बाथ एरिया, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया, जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसके यूज के लिए। इसका जो साइज हमारा 7 फीट × 4 फीट का है, यानी यहां से यहां तक लेंथ 7 फीट का है और यहां से यहां तक ब्रेथ 4 फीट का है। तो बेसिकली यह कॉर्नर में हमारी ये WC आ जाएगा और इतना एरिया हमको वॉशरूम का मिल जाएगा। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है। इसके हम आगे जाए पैसेज के तो हमारी स्टेयर्स आती है, यानी सीढ़ियां। तो यहां से हम जाएंगे ऊपर और यहां से टर्न होकर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। तो इस साइड जो हमारी स्टेयर्स है इसके नीचे हमको स्टोरेज के लिए भी जगह मिल रही है, या फिर आपको वॉश बेसिन रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। इसके हम आगे जाए तो कॉर्नर में एक हमारा 3 फीट का डोर दिया है, इससे हम एंटर करते हैं हॉल के अंदर। तो बेसिकली ये जो हमारा हॉल एरिया है इसका जो साइज है हमारा 10 फीट 6 इंच × 11 फीट है। यहां से यहां तक लेंथ 10 फीट 6 इंच है और यहां से यहां तक ब्रेथ 11 फीट का है। तो बेसिकली आप इसे हॉल के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप इसे गेस्ट रूम के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो गाइज आप यहाँ पे सोफा रख सकते हैं एल शेप में या फिर ऐसे सी शेप में, और टीवी यूनिट रखना है आप सामने वॉल पे टीवी यूनिट रख दीजिए। अगर आप इसे गेस्ट रूम बना रहे इसके अंदर आपको बेड रखना है तो आप इस शेप में सोफा रखिए, सामने टीवी यूनिट रखिए और इस कॉर्नर पे आप बेड रख दीजिए। इस बेडरूम इस हॉल में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये 5 फीट से 6 फीट का विंडो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टेयर से ऊपर चले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। तो हम यहाँ से अब फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। तो स्टेयर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आए तो बाजू में हमारा 3 फीट का डोर प्रोवाइडेड है, इससे हम एंटर करते हैं हॉल के अंदर। तो बेसिकली जितना बड़ा ग्राउंड फ्लोर में हॉल था उतना ही बड़ा फर्स्ट फ्लोर में हमारा हॉल है। तो ये जो हमारा 1 BHK हाउस है उसका ये हॉल है हमारा। ओके, इसका जो साइज हमारा 10 फीट 6 इंच × 11 फीट का है, यानी यहां से यहां तक लेंथ 10 फीट 6 इंच है और यहां से यहां तक ब्रेथ 11 फीट की है। और इस हॉल में भी वेंटिलेशन के लिए यहां पे ये विंडो प्रोवाइडेड है। इससे हम आगे जाए तो हमारा ये पैसेज एरिया है, इससे हम आगे जाए तो यहां से स्टेयर से टर्न होकर ऊपर टेरेस पे चले जाएंगे, और उसके बाजू में जाए तो एक और डोर प्रोवाइडेड है हमारा, जिससे हम एंटर करते हैं WC प्लस बाथ एरिया, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया। जैसा कि हमारा ग्राउंड फ्लोर में प्रोवाइडेड है वैसा ही सेम साइज का हमारा फर्स्ट फ्लोर पे प्रोवाइडेड है हमारा फर्स्ट फ्लोर के यूज के लिए। इसका जो साइज है 7 फीट × 4 फीट, यहां से यहां तक लेंथ 7 फीट का है और यहां से यहां तक ब्रेथ 4 फीट का है। इसमें वेंटिलेशन के लिए यहां पे ये विंडो प्रोवाइडेड है। इससे हम आगे जाए तो हमारा किचन एरिया आता है। किचन का जो साइज है वो 7 फीट 6 इंच × 5 फीट 8 इंच है। यहां से यहां तक लेंथ 7 फीट 6 इंच है और यहां से यहां तक ब्रेथ 5 फीट 8 इंच का है। तो बेसिकली जो पैसेज एरिया है उसको मैंने निकाल दिया क्योंकि किचन हम इतना ही बना रहे हैं। किचन में आप यहां पे एल शेप में प्लेटफॉर्म बना सकते हैं या फिर यहां पे आप स्ट्रेट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने स्ट्रेट प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके अंदर गैस रखा है, यहाँ पे आप वॉश बेसिन रख सकते हैं, और आपको फ्रिज रखना है तो आप यहाँ पे फ्रिज रख सकते हैं। ओके, और किचन के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आप 3 फीट से 4 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं।
से हम आगे जाए तो ये यहाँ पे 3 फीट का डोर प्रोवाइडेड है, इससे हम एंटर करते हैं बेडरूम के अंदर। तो बेसिकली जो हमारा बेडरूम का साइज है वो 10 फीट 6 इंच × 9 फीट 6 इंच का है, यानी यहां से यहां तक लेंथ 10 फीट 6 इंच है और यहां से यहां तक ब्रेथ 9 फीट 6 इंच का है। तो बेडरूम में इतनी स्पेस है कि आप एक डबल बेड रख सकते हो और एक कबर्ड रख सकते हैं। इस कॉर्नर में आपको अगर कुछ रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप बेडरूम में 2 विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक 4 फीट से 5 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं और एक सामने फ्रंट साइड आप 4 फीट से 5 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा प्लान है वो कंप्लीट हो गया है। ये जो प्लान मैंने बनाया है एक हमारे सब्सक्राइबर है उनके डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया है। तो गाइज अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।